साथियों, आज मुझे साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मिला और हमारे मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी वहां बैठे हैं। सांथाल परगना के बहुत लोग भी आज इस बड़े महत्वपूर्ण अवसर के वहां साक्षी बने हैं और ये प्रोजेक्ट सिर्फ झारखंड का नहीं, ये हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी झारखंड की नई पहचान देने वाला है। ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। ये टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया बनारस जलमार्ग विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इसके माध्यम से झारखंड के लोगों के लिए विकास की अपार संभावनाएं खुलने वाली है। इस टर्मिनल से यहां के आदिवासी भाई बहनों को, यहां के किसानों को अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाजारों में और आसानी से पहुंच पाने में सुविधा होगी। इसी तरह जलमार्ग के कारण उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सब राज्यों तक अब झारखंड का जो पैदावार है वह वहां तक पहुंचना सरल हो जाए। ये टर्मिनल रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगा। प्रगति की दृष्टि से देखें या पर्यावरण की दृष्टि से, ये जलमार्ग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और रोड से जो सामान जाता है उसका जितना खर्चा होता है, पानी के मार्ग से जब जाता है तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। इसका लाभ भी हर उत्पादक को, हर व्यापारी को, हर खरीदार को मिलेगा।